अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड फैशन टाइम। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही डिलीशियस, घर में बनाएंगे हम इसे बहुत आसानी से, मिल्क पाउडर से रसमलाई। ये बहुत डिलीशियस और टेस्टी रेडी होती है। आप एक बार इसे जब बनाएंगे सारी रसमलाई भूल जाएंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने लिया है 2 टेबल स्पून पिस्ता, मैंने इसे बारीक चॉप कर लिया था। 3 टेबल स्पून काजू लिए हैं, इन्हें भी मैंने बारीक चॉप कर लिया था। और यहाँ मैंने कुछ केसर के धागे लिए हैं, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। मैंने 1 कप मिल्क पाउडर लिया है, 1 कप शुगर ली है। आप मीठा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख लीजिएगा। और इसी के साथ मैंने एक कढ़ाई को गर्म करके इसके अंदर ऐड किया है 3 कप दूध। इसे हम एक उबाल आने तक अच्छे से पका लेंगे। अब हम इसके अंदर अपने सभी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे। इसी के साथ हम इसमें शुगर भी ऐड कर देंगे और इसे 4 से 5 मिनट के लिए ऐसे ही बॉयल होने देंगे। अब हमने जो मिल्क पाउडर लिया है उसको हम 2 टेबल स्पून मिल्क में मिलाकर ऐड कर देंगे, जिससे इसमें लम्स ना आए। अगर हम इसे ऐसे ही पाउडर डाल देंगे तो इसमें लम्स आ जाएंगे। इसे हम अच्छे से पका लेंगे। जब तक चलिए हम अपनी रसमलाई बनाते हैं। यहाँ मैंने 1 कप मिल्क पाउडर लिया है, इसी के साथ मैंने यहाँ पर लिया है 1 टी स्पून बेकिंग पाउडर और 1 टेबल स्पून मैदा। इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। हमें इसका सॉफ्ट डो रेडी करना है। आप यहाँ पे चाहे तो इसमें अंडे का भी यूज़ कर सकते हैं, मैं दूध का यूज़ कर रही हूँ हल्का हल्का। यहाँ पर टोटल मेरा 3 टेबल स्पून दूध में बहुत अच्छा बैटर रेडी हो चुका है। हमें इसका एक सॉफ्ट डो बनाना है। देखिए डो हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे। 10 मिनट बाद मैंने इसकी छोटी छोटी रसमलाई रेडी कर ली थी, सॉरी वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। अब हम इसे 3 मिनट के लिए ऐसे ही लो फ्लेम पर पकाएंगे और बाद में इसकी फ्लेम को हाई कर देंगे। एक बॉयल आने पर हम इसकी फ्लेम को हाई कर देंगे। देखिए मैंने अब फ्लेम को हाई कर दिया है। अब मैं इसकी साइड चेंज कर दूंगी और साइड चेंज करने के बाद मैं इसे हाई फ्लेम पर 3 मिनट के लिए और बॉयल करूंगी। देखिए साइड चेंज होने के बाद मैंने इसे 3 मिनट और पकाया। अब मैं इसे ढककर 2 मिनट के लिए रख दूंगी फ्रिज में। आप इसे फ्रिज में 1 घंटे रख दीजिएगा। अब मैंने इसे 2 घंटे बाद फ्रिज से निकाल लिया था। अब चलिए इसे डिश आउट करते हैं। एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आप सब तरह की रसमलाई भूल जाएंगे जब आप एक बार मिल्क पाउडर से ये रसमलाई बनाएंगे। ये बहुत डिलीशियस और टेस्टी रेडी होती है। बच्चे हों या बड़े, सबको ये बहुत पसंद आती है। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पर नई रेसिपी के साथ। देखिए मैं आपको कट कर दिखाती हूँ ये कितनी सॉफ्ट और डिलीशियस रेडी हुई है। देखिए